Hmm. जी गुरु जी को अलग आदेश माँ भगवती को अलग आदेश रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश आप सभी को आदेश आदेश भैरव काल भैरव, इनके अनेक रूप हैं। जिसमें अष्टमूर्ति के बारे में मैंने काफी बार वर्णन किया है उसी में महाघात क्रोध भैरव आते हैं इनको क्रोधराज भी बोला जाता है क्रोध भैरव की साधना साधक आमतौर पे मारन के लिए प्रयोग करते हैं लेकिन क्रोध भैरव की साधना करने से और भी बहुत सारे फल मिलते हैं आज जो साधना बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे साधकों ने मैसेज किया था कि क्रोध भैरव की साधना दीजिए क्यों नहीं दे रहा था क्योंकि ये बहुत ही उग्र साधना है और अभी भी दे रहा हूँ तो ये बता दूँ कि जिनका आसन मजबूत नहीं है जिन्होंने पहले साधना नहीं कर रखी है जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं है ऐसे लोग इस साधना को ना करें क्रोध भैरव साधना से दुर्भाग्य आपका भाग जाता है अगर किसी तंत्र किसी पारिवारिक श्राप किसी वास्तु दोष या किसी भी राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुसमांड भैरव किसी के भी प्रकोप से अगर आपकी उन्नति रुकी हुई है तो वो चल पड़ेगी इसके उचित प्रयोग से शत्रु का मर्दन होता है इसमें बहुत सारी सामग्रियां नहीं चाहिए होती हैं जो पूजा में जो सामग्री लगती है भैरव जी की वही सामग्री लगेगी इसमें बस एक चीज़ है कि आप किस कारण से साधना करने वाले हैं उस हिसाब से इसका यंत्र बदलता है पूजन सामग्री में जो जो पांच तरह से पूजा होता है मतलब धूप दीप नवेद और पुष्प आसन ये पांच चीज़ें इसके अलावा हवन में जो सामग्री भैरव जी की लगती है वही लगेगी इस साधना को करने के बाद आपको तर्पण भी करना पड़ेगा ठीक है और जो यंत्र होगा वो मैंने पहले ही बताया आपको कि वो कार्य के अनुसार अलग अलग होगा तो जो कार्य करेंगे वो बताएंगे शत्रु मर्दन के अलावा और किसी कार्य के लिए आपको चाहिए होगा तो मैं आपको बता दूंगा उपलब्ध करा दूंगा यंत्र सबसे पहले आपको मुख करना है नॉर्थ की दिशा में नॉर्थ की तरफ इनका ध्यान होता है तो आप बैठ जाएंगे दीपक जला लेंगे भैरव जी की पूजा है तो चमेली के तेल से दीपक सबसे उत्तम रहता है नहीं तो पीले सरसों के तेल का दीपक जलाएंगे उसके बाद गूगल का धूप करेंगे ठीक है सामने यंत्र रखेंगे उसको उस पर पुष्प से पूजा करेंगे धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे, नवेद दिखाएंगे, हाँ और उसके बाद भैरव जी का ध्यान करेंगे हृदय में ध्यान करेंगे भैरव जो क्रोध भैरव है वो उनका तेज बहुत ज़्यादा होता है और हमेशा अट्ठास लगाते रहते हैं बहुत भयंकर हैं ठीक है बट्टुक भैरव जैसे या फिर सौम्य नहीं है बहुत भयंकर हैं ठीक है बहुत लंबा चौड़ा शरीर है चतुर्भुजी हैं दाहिने हाथ में उनके वज्र होता है बाएं हाथ में तर्जनी मुद्रा होता है दाँत बहुत ही तीक्ष्ण होते हैं बहुत तेज होते हैं मनुष्य का मस्तक और रक्त मुकुट वो सर पर धारण करते हैं कोटि सूर्य है, मतलब बहुत सूर्यों के समान उनका उनका तेज है अष्टनाग की जो है वो आभूषण पहनते हैं और मुद्रा बंधक पहनते हैं ऐसा आपको उनका ध्यान करना है उसके बाद न्यास कर लेना है तो न्यास कैसे होगा हृदय पे हाथ रखकर ओम वज्र वोधि हृदय नमः ठीक है उसका सर पे हाथ रखेंगे ओम हन हन वज्र हुम सिर से स्वाहा फिर शिखा पकड़ेंगे और बोलेंगे ओम दह द वज्र सिखाय शिखायासट फिर कवच करेंगे कवच में क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड को राइट कंधे पे रखते हैं और राइट हैंड को लेफ्ट कंधे पे रखते हैं और उसके बाद बोलेंगे ओम फट वज्र फट कवचाय होम उसके बाद जैसे आप लोगों को बताया है कि दो उंगली से दो उंगली से आपको नेत्र पे हाथ रखना है और जो मिडिल फिंगर होता है वो थर्ड आई पे रहेगा और फिर बोलिएगा ओम दीप दीप्त वज्र हुम, नेत्राय, वसौट वसठ इसके बाद दो उंगली अपना जो है आपका उसको सामने निकालिएगा सर के ऊपर से तीन बार घुमाइएगा बोलिएगा ओम हन हन दह दह क्रोध वज्र सर्व दुष्टानाम मारिया मारिया, हुम फट स्वाहा अस्त्राय फट ऐसा बोल करके तीन बार सर के ऊपर से घुमा करके राइट हैंड के का पहला दो उंगली और लेफ्ट हैंड पे तीन बार ताली बजाइएगा ठीक है इतना करने के बाद पूजा आपने कर लिया है आप मंत्र जाप के लिए तैयार हो जाइए तो आपको टोटल आठ हजार मंत्र जाप करना है मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए ओम हुम वज्र फट क्रुम क्रोम क्रुम, क्रुम क्रुम हुम हुम फट फिर से सुनिए ओम हुम वज्र फट क्रुम क्रोम क्रुम क्रुम हुम हुम फट एक बार और सुनिए इस मंत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए जाप में ओम हुम वज्र फट क्रुम क्रोम क्रुम, क्रुम क्रुम हुम हुम फट इसका जाप करने के बाद आपको इसका दशांश हवन करना है तील और गूगल से थोड़ा सा उसमें रार मिला सकते हैं आप लकड़ी जो है वो आम की रहेगी क्रोध भैरव के जाप के बाद आपको दो तीन चीज़ों पर इसमें ध्यान देना है जब आप इनका जाप करिएगा आठ हज़ार कोशिश करना है कि नौ दिन में आप ख़त्म कर लीजिए मतलब नौवें दिन आपका हवन हो जाना चाहिए इसके अलावा क्योंकि सात्विक साधना है तो भोजन सात्विक होगा आप हमेशा सैया जो होगा आपका वो जमीन पर होगा आप बेड पर नहीं सो सकते हैं मतलब बना हुआ बेड पर नहीं सो सकते हैं भोजन आपको बिल्कुल ही सात्विक करना है और किसी भी तरीके का क्षेत्र जिसके बाहर मतलब जहाँ जाने के लिए आपको नदी या नाला को पार करना हो वो नहीं कर सकते हैं आप इतने दिन तक आपका ये बंधन रहेगा लकड़ी इस साधना में आम की रहती है और जो हवन संविधा हमेशा प्रयोग करते हैं वो हम हवन संविधा रहेगी अंत में आप जो पंच अनाज का जो रोटी होता है वो भी समर्पित करेंगे ठीक है इतना करने से आपको क्रोध भैरव सिद्ध हो जाएंगे उसके बाद इस मंत्र का क्या प्रयोग है किसी भी जगह पर जहाँ पर दुष्ट शक्तियों का वास हो जहाँ पर कोई बहुत असाध्य रोग से ग्रसित हो ठीक है या फिर आ, कहीं पे किसी ब्रह्म राक्षस का डेरा हो या किसी के घर पर बहुत ज़्यादा शत्रुओं का प्रभाव हो या आपके खुद के घर पर शत्रुओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव हो तो इस मंत्र से आपको वहाँ पर हवन करना है हवन का सामग्री हर बार वही रहेगा ऐसा करने से किसी भी देखो इस मंत्र के जाप मात्र से कहीं बैठ कर के अगर आप जाप कर दोगे ना तो जाप मात्र से इसका प्रभाव दिखने लगता है लेकिन बहुत बार बहुत सारी शक्तियाँ बहुत ढीठ होती हैं ऐसी शक्तियों को हटाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप हवन करें हवन से जाप से कहीं ज़्यादा प्रभाव होता है एक मंत्र का अगर आप जाप के बदले हवन करते हैं ऐसा मैंने आप लोगों को नवारण मंत्र में भी बताया था कि नवारण मंत्र का जाप करने से बेहतर है कि नवारण मंत्र का आप हवन करते जाओ एक सौ आठ बार हवन करो उससे जो फल मिलेगा वो जाप से कहीं ज़्यादा मिलता है तो ये क्रोध भैरव का मैंने विधान आप लोगों को सात्विक बताया है इसका अघोर में भी विधान है लेकिन इस विधान को वही लोग करेंगे जो कि पहले से साधक है जिनको साधना के बारे में कुछ नहीं पता है सिर्फ अट्रैक्ट होकर कि क्रोध भैरव साधना है ये नहीं करेंगे इसका आप लोग सभी ध्यान रखें ये एक वार्निंग की तरह आप लोग लें आज के लिए इतना ही जिनको बेसिक साधना सीखनी है वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं जिसका नंबर है नाइन फोर थ्री वन वन एट एट फाइव एट फाइव ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने के लिए डब्लू डब्लू अघोर डॉट एक्स वाई जेड पर आप लॉग इन कर सकते हैं भैरव पर विशेष साधनाएं कुछ मैं इस महीने आप लोगों को दूंगा जिससे कि धन की वृद्धि होगी एक तो दूसरा आप लोगों को साधनाओं में बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी जो सिद्ध होने के की बात करते हैं वो तो बड़ी बात है लेकिन फिर भी इतना कोशिश मैं करूँगा कि सिद्धि का जो पहला लक्षण है वो आप लोगों को डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल फॉर ऐप है उस पर आप लोग इसको डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर या रुद्रना एट सी एम फोर आज के लिए इतना ही लोना चौमारी गुरु रूप में आप लोगों पार को बहुत सारा ज्ञान दे ऐसे ही मेरी प्रार्थना सभी को आदेश आदेश आदेश